स्टेज. नाउ कमिंग पोस्ट ट्रेनिंग स्टेज. तो जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, पेन देना बच्चे, पेन. एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जो है, दिस कैन बी सक्सेसफुल ओनली व्हेन सपोर्ट एंड फॉलोअप इज प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरीज. जो इसके बेनिफिशियरीज हैं, यानी जिनको हमने ट्रेन किया है, एडुकेट किया है, अब अगर उनको ट्रेन करके एडुकेट करके छोड़ दिया तो इट मे लूज इट्स रेलेवेंस दिस प्रोग्राम. ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन, आपने उनको मोटिवेशन इनकलकेट कर दी, मोटिवेशन को फर्दर यू नो कंटिन्यू रखने में भी, क्योंकि ऐसा होता है हर बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता. तो जब बिजनेसमैन स्टार्ट्स इनकरिंग लॉसेस, ही मे लूज दी मोटिवेशन, ही मे लूज दी हार्ट, कह रहे मेरे को इतना कुछ सिखाया था, इतना कुछ करने के बावजूद भी मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस, आई एम गोइंग टू लुक फॉर सम जॉब. ठीक है, तो उस केस में आपने जितना भी उसको एडुकेट किया, ट्रेन किया, उसमें स्किल्स दी, उसको तब मोटिवेट किया था, वो सब डाउन द ड्रेन हो गया. ठीक है, वो क्यों हो गया, क्योंकि उसने उसको आपने सपोर्ट नहीं किया, बाद में आपने उसको फॉलोअप नहीं किया. ठीक है, तो जो बेनिफिशियरीज हैं, यानी जिनको आपने ट्रेनिंग दी है, उनको पोस्ट ट्रेनिंग में भी इन्वॉल्व करो, यानी आफ्टर दे हैव गॉन, आफ्टर दे हैव स्टार्टेड अप विद देयर ओन बिजनेस, आफ्टर यू नो दिस स्टेज, ट्रेनिंग स्टेज के बाद दे हैव सेट अप देयर बिजनेस और एंटरप्राइज, सो यू हैव टू फॉलो अप देम. उनको आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, उनकी मोटिवेशन आपको कंटिन्यूड रखनी पड़ेगी, कि किसी भी टाइम पे वो अपनी मोटिवेशन छोड़ के और अपना काम वाम छोड़ के ना बैठ जाएं. क्योंकि मैंने कहा हर बिजनेस प्रॉफिट अर्न नहीं करता, इनिशियली सम बिजनेस सफर लॉसेस, उनको ट्रैक पे आने में बहुत टाइम लगता है. ठीक है, तो उनको फॉलो अप प्रोवाइड करना, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनकी मोटिवेशन को सस्टेन करना, उनको टाइम टू टाइम गाइड करना, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में उनकी हेल्प करना. प्रोजेक्ट प्रेपरेशन आपने सिखा दी, लेकिन प्रैक्टिकली जब वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तब उनकी हेल्प करना, उनको रिस्पेक्टिव बॉडी से मीटिंग्स उनकी अरेंज करना, ताकि उनको फंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, सो ये सब किस में आएगा, पोस्ट ट्रेनिंग स्टेज में. यू कैन राइट इट डाउन, पोस्ट ट्रेनिंग स्टेज. एन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, एन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कैन बी सक्सेसफुल ओनली व्हेन एन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ईडीपी भी लिख सकते हैं, कैन ओनली बी सक्सेसफुल when support and follow up is provided to the beneficiaries. Support and follow up is provided to the beneficiaries. The person responsible for providing support and follow up helps them to sustain motivation. Helps them to sustain motivation, guides them in project implementation, provides them necessary contacts.
provides them with necessary contacts and helps to tackle their problems. Follow-up will help in assessing the effectiveness of training. Follow-up will help in assessing the effectiveness of training. The shortcomings identified in a training program, can then be removed to make EDP more effective. बेटे जब हमने ट्रेनिंग दे दी उसके बाद पोस्ट ट्रेनिंग में जब हमने फीडबैक ली, ठीक है, तो फीडबैक से हमें ट्रेनिंग की जो स्टेज है उसकी इफेक्टिवनेस पता चल जाएगी. लेट अस से हमने जब फीडबैक ली हमें पता चला हमारे जितने भी बेनिफिशियरीज हैं यानी ट्रेनीज थे जिनको हमने ट्रेनिंग दी थी कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ. सो विच मीन्स देयर वर सर्टन शॉर्टकमिंग्स इन आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम. वी नीड टू मेक इट मोर इफेक्टिव. ठीक है, सो फीडबैक से आप ट्रेनिंग प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस के बारे में असेस कर सकते हैं, उसकी शॉर्टकमिंग्स जान सकते हैं. अगर आपको फीडबैक लेते हुए ये पता चला कि आपके जितने भी बेनिफिशियरीज हैं दे आर गोइंग वेरी सक्सेसफुल, ठीक है, सो विच मीन्स योर ट्रेनिंग प्रोग्राम हैज बीन वेरी वेरी इफेक्टिव. सो दे हैव बेनिफिटेड अ लॉट, एज अ रिजल्ट दे आर एबल टू रन अ सक्सेसफुल बिजनेस. ठीक है, so you come to know about the effectiveness of training program by necessary follow up. ठीक है, so this was all about the process of entrepreneurship development which has three stages: pre training stage, training stage and post training stage. ठीक है, now we'll be coming to startup India scheme. So like I told you, this is going to be really really interesting topic for you people. Startup India scheme. This might be given. Books mein hai, dekh lo. Theek hai. So for online students, I will be sharing the book. Yes, be attentive, bache. So, Startup India scheme. This scheme was announced by our Prime Minister, Mr. Narendra Modi, on 15th August 2015. Okay. So, Ministry of Commerce and Industry gave a circular on February 17, 2017, describing the concept of startup. ये जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है ये तीन पिलर्स के ऊपर बेस्ड है.
जब गवर्नमेंट ने हमें कहा कि हम एक स्टार्टअप स्कीम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं, इट वॉज बेसिकली बेस्ड ऑन थ्री पिलर्स, फर्स्ट बीइंग सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग. अभी से पहले हमें लगता था बिजनेस स्टार्ट करना इज अ ह्यूज टास्क, इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज, देर आर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, रेगुलेशंस, ऑब्स्टेकल्स, फंडिंग प्रॉब्लम्स, मेनी अदर प्रॉब्लम्स विच इज नॉट से पॉसिबल फॉर अ कॉमन मैन. ओनली अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ बिजनेस फैमिली कैन सेटअप बिजनेस. ठीक है, तो उस मिथ को तोड़ते हुए गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया स्कीम का एक प्रोग्राम दिया हमें, इनिशिएटिव लिया. ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है. फ्लैगशिप मींस जो कि एक मेन प्रोग्राम है जो कि उसको दूसरी गवर्नमेंट से डिफरेंशिएट करता है. सो फर्स्ट पिलर ऑन विच इट वॉज बेस्ड वॉज सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग. द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वॉज सिंप्लीफाइड एंड गवर्नमेंट वुड बी होल्डिंग हैंड्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स. कई बार ऐसी गवर्नमेंट्स भी आई हैं हमें, खासकर स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ ऐसी होती हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज्यादा तंग करती हैं. तंग कैसे करती हैं, बहुत ज्यादा रूल्स रिस्ट्रिक्शंस लगा देती हैं, तो बिजनेसमैन बिजनेस छोड़ के ही बैठ जाता है कि इस गवर्नमेंट में हम काम नहीं चला सकते. ठीक है, इतने ज्यादा टैक्सेस, इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और गवर्नमेंट बिल्कुल भी साथ नहीं देती है. सो ये जो स्टार्टअप है इट इज बेस्ड ऑन थ्री पिलर्स, फर्स्ट बीइंग सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग. गवर्नमेंट ने प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया और गवर्नमेंट ने कहा वी विल बी होल्डिंग योर हैंड, सपोर्ट देंगे हम आप. सेकेंड वॉज फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव. सो गवर्नमेंट वुड बी प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू दीज एंटरप्राइजेस सेटअप एज स्टार्टअप्स. इनको फंड्स में प्रोवाइड करने में या फंड्स को अरेंज करने में असिस्ट करेगी गवर्नमेंट और काफी इंसेंटिव्स दिए जाएंगे. इंसेंटिव्स कुड बी से टैक्स हॉलीडे और लेस टैक्सेस, लेस ऑफ द ऑक्ट्रॉय, एग्जम्पशन फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, एनी काइंड ऑफ इंसेंटिव्स कुड बी गिवन. देन थर्ड पिलर ऑन विच इट वॉज बेस्ड वॉज इंडस्ट्री एकेडेमिया पार्टनरशिप एंड इनक्यूबेशन. इंडस्ट्री एकेडेमिया पार्टनरशिप का क्या मतलब है? एकेडेमिया आता है बेटे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस को हम एकेडेमिया कह देते हैं, यानी जो रिसर्च में एंगेज होते हैं. ठीक है, सो इंडस्ट्री एकेडेमिया पार्टनरशिप, अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में थोड़े से सीरियस हो, अवेयर हो और अगर आपने कुछ रिसर्च की हुई है या आपके कुछ कजन्स वगैरह जो पढ़ रहे हैं हायर एडुकेशन में हैं, आपको पता होगा कि कुछ कॉलेजेस में ऐसी डिग्रीज होती हैं कि लास्ट ईयर में वो किसी इंडस्ट्री के साथ आपका टाई अप करवा देते हैं. ठीक है, जिसमें आपको इंटर्नशिप मिल जाती है, जहां पर आप इंटर्नशिप करते हो वहीं पर आपको मोस्ट प्रोबेबली जॉब्स भी मिल जाती है ना. दिस इज वॉट इंडस्ट्री एकेडेमिया पार्टनरशिप. सो वेन यू आर यू नो मेकिंग श्योर कि आपका पढ़ा हुआ बच्चा सेट हो जाएगा, उसको जॉब मिल जाएगी, है ना, या जॉब मिल जाएगी या किसी भी तरह से वो यू नो एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकता है, सो दैट मेक्स इट इजियर, आपकी ट्रेनिंग इजी हो जाती है उससे. ठीक है, तो इंडस्ट्री एकेडेमिया पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन. इंक्यूबेशन क्या होता है? सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना. ठीक है, सो ये तीन पिलर्स हैं जिसके ऊपर ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम बेस्ड थी. अब आपको ये पता होना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्टार्टअप. जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि स्टार्टअप इज यू नो एन एंटरप्राइज विच इज इनिशियली सेटअप. अभी अभी जो एंटरप्राइज सेटअप किया वो स्टार्टअप है, नया खोला वो स्टार्टअप है. ऐसा नहीं है. इट कुड बी अ न्यू एंटरप्राइज, इट कुड बी एज ओल्ड एज 5 years old. यू हैव टू हैव दीज फोर फीचर्स प्रेजेंट फॉर योर एंटरप्राइज टू बी कॉल्ड एज अ स्टार्टअप. ठीक है, जैसे अब गवर्नमेंट ने कब दिए रेगुलेशन, 2017 में.
हो सकता है मैंने एक एंटरप्राइज सेटअप किया 2014 में, ठीक है, अब मैं बोलूंगी अरे गवर्नमेंट मैं 3 साल लेट खोलता तो मेरे को ये जो स्टार्टअप को जो इंसेंटिव्स गवर्नमेंट दे रही है तो वो मेरे को मिल जाते, अब तो मेरे को नहीं मिलेंगे क्योंकि आई एम नॉट आइडेंटिफाइड एज अ स्टार्टअप. नो, गवर्नमेंट ने कहा सबसे पहले स्टार्टअप होने के लिए आपकी जो एंटिटी है इट शुड हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, नॉट इन अ फॉरेन कंट्री, इट शुड हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया. सिंपल, ठीक है, आपका एंटरप्राइज इंडिया में इनकॉर्पोरेट होना चाहिए. सेकेंड, इट शुड नॉट बी ओल्डर देन 5 years. तो अगर मैंने 2014 में भी सेटअप किया है और मैं बाकी की फीचर्स को सेट कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हूं तो मेरा एंटरप्राइज भी स्टार्टअप कैटेगरी में आ सकता है. तो दो कंडीशंस अभी तक हमने क्या की, इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, इट शुड बी नॉट ओल्डर देन 5 years. थर्डली, इट्स एनुअल टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 25 crore इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर्स. हम 5 साल पुराना एंटरप्राइज भी स्टार्टअप कह सकते हैं. तो इन 5, अगर मेरा एंटरप्राइज मैंने पहले ही बोला 2014 में सेटअप किया है, अगर 2014, 2015, 2016, 2017 इन 4 सालों में मेरी एनुअल टर्नओवर मिलाकर नहीं एनुअल टर्नओवर इन एवरी रिस्पेक्टिव ईयर 25 करोड़ से ज्यादा नहीं रही, देन माई एंटरप्राइज कैन बी कैटेगराइज्ड एज स्टार्टअप. क्लियर? एनुअल टर्नओवर मींस प्रॉफिट्स, सेल्स. टर्नओवर इज सेल्स. तो हमारी सेल्स 1 साल में 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. किसी साल में 24 करोड़ रही, 23 करोड़ रही, 20 करोड़ रही, वो चलेगी, 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है. देन फोर्थ कंडीशन विच शुड बी देयर इज इट शुड वर्क टुवर्ड्स इनोवेशन. ठीक है, आपका जो एंटरप्राइज है इट शुड बी वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट और कमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस और प्रोसेस. आपका जो एंटरप्राइज है बेटे, वो या तो कोई प्रोडक्ट या सर्विस या प्रोसेस, 3 चीजें होती हैं. एक प्रोडक्ट में इनोवेशन होती है, जैसे मोबाइल, पहले क्या आते थे, सिंपल कॉलिंग फोन आते थे, आज क्या है, स्मार्टफोन है. दिस इज एन इनोवेशन इन प्रोडक्ट, इनोवेशन इन सर्विस. इनोवेशन इन सर्विस कैन ऑल्सो बी देयर. आपको पहले स्लो नेटवर्क मिलता था, अब देखो आपको 5G तक मिल रहा है. दिस कैन बी डिफाइंड एज इनोवेशन इन सर्विस. देन देयर कुड बी इनोवेशन इन प्रोसेस. आप किसी ऐसे प्रोसेस से पहले चीज बनाते थे कि 100 निकलती थी मशीन से, अब 500 निकल रही है. दिस कुड बी इनोवेशन इन प्रोसेस. सो यू आर वर्किंग आइदर टुवर्ड्स इनोवेशन. इनोवेशन कुड बी इन प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस, और डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस और प्रोसेस और कमर्शियलाइजेशन. कमर्शियलाइजेशन मीन जरूरी नहीं है आप कोई चीज प्रोड्यूस ही कर रहे हो, आप उसको यू नो यू माइट बी सेलिंग दैट प्रोडक्ट और सर्विस और प्रोसेस, बट दैट वट एवर यू आर डीलिंग इन, आइदर यू आर डीलिंग इन द इनोवेशन और development or commercialization of whether the product, service or process, it should be driven by technology. Technology should be the main factor. It should be driven by technology. See all these apps, these are driven by technology. So Zomato hai. अगर ये 5 साल से 2017 से लेके 5 साल से पहले स्टार्ट हुआ और अगर इसकी एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से 25 करोड़ से कम रही, रिसेस, ठीक है, सो इसको हम स्टार्टअप कह सकते हैं, ठीक है. ऑल दोज विच आर ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी. व्हाट इज ओला? यू आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस.
but in a different way. So this is an innovation in service. So any enterprise which is engaged in innovation, development or commercialization of a product or a service or a process which is driven by a technology or IPRs. What are IPRs? What is IPR? Full form, anyone? Intellectual property rights. So, iske bare mein bhi hum detail mein padhenge. Simply speaking, intellectual property right kya hai? Jis tarah se aapki ek property hai, aapke paas land hai, theek hai? Uske upar aapka right hai. You are owning that property. If you give it to someone to use it, you will be asking for rent. Theek hai? You have the right to let that property out, to sell that property. Similarly, what is intellectual property? Intellectual property is property of your mind. आपको एक आइडिया सोचा, आपने कोई स्टोरी लिखी, आपने कोई प्रोडक्ट, कोई इस तरह से इन्वेंट किया, कोई नई चीज इन्वेंट की, वो आपके दिमाग की डिस्कवरी है, प्रॉपर्टी है. इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ योर इंटेलेक्ट. बाय मेकिंग यूज ऑफ योर इंटेलेक्ट आपने वो चीज निकाली है, ठीक है, उसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. नाउ अगर आपकी वो आपने वो चीज निकाल दी मार्केट में, उसका डुप्लीकेट किसी ने बेचना शुरू कर दिया, आपने सालों साल की रिसर्च की, अपना टाइम दिया, अपने पैसे दिए उस प्रोडक्ट को बनाने में, आपने जब वो मार्केट में बेचने शुरू की तो किसी ने फटाफट उसकी कॉपी करके बेचना शुरू कर दिया और सस्ती बना के करोड़ों रुपए कमा लिए, आप वहीं के वहीं. वुड यू टॉलरेट इट? शुड इट बी अलाउड व्हेन इट वाज योर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ योर इंटेलेक्ट? यू शुड हैव राइट ओवर इट. सो आप गवर्नमेंट से इसके ऊपर राइट ले सकते हैं. दिस इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. Once you have taken intellectual property right, it becomes your property. You can let it out, you can sell it out, you can use it. आप किसी को बेच दो और वो उसको यूज कर ले, फिर कोई बात नहीं है, है ना, क्योंकि आपका इसके ऊपर अब राइट है. सिमिलरली पेटेंट भी एक आईपीआर की फॉर्म होती है. मतलब किसी आप ऐसी चीज में डील कर रहे हो जिसमें आपने आईपीआर लिया हुआ है, पेटेंट लिया हुआ है, देन योर एंटरप्राइज कैन बी क्लासिफाइड एज startup if it fulfills rest of the other conditions as well. Theek hai? This is the meaning of startup. Tomorrow we will be discussing it further. That's all for today.